ज्यादा किस्मत वाले होते हैं इस दिन जन्मे बच्चे। सोमवार, जिन व्यक्तियों का जन्म सोमवार के दिन होता है ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, इनका स्वभाव शांत होता है, इनकी वाणी मधुर और मोहित करने वाली होती है, ये स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। सुख हो या दुख सभी स्थिति में ये समान रहते हैं। धन के मामले में भी भाग्यशाली होते हैं, इन्हें सरकार व समाज से मान सम्मान मिलता है। मंगलवार, मंगलवार को जन्मे लोगों का स्वामी मंगल ग्रह होता है, इनकी राशि मेष और वृश्चिक होती है, ये स्वभाव से ऊर्जावान और बहुत ही बहादुर होते हैं, ये युद्ध प्रेमी और पराक्रमी होते हैं, ये अपनी बातों पर कायम रहने वाले होते हैं। इनके स्वभाव की एक बड़ी विशेषता है कि ये अपने कुटुंब परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं। बुधवार, बुधवार को जन्मे लोगों की राशि कन्या या मिथुन होती है, ऐसे व्यक्ति मधुर वचन बोलने वाले होते हैं, इस तिथि के जातक पठन पाठन में अत्यधिक रुचि लेते हैं और ज्ञानी होते हैं, ये लेखक में रुचि रखते हैं और इसे अपनी जीविका बनाते हैं, ये अपने विषय के अच्छे जानकार होते हैं, इनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती, परंतु इनमें जो एक बुराई होती है वो ये होती है कि धोखा देने में भी काफ़ी आगे होते हैं। बृहस्पतिवार के दिन जन्मे व्यक्तियों की राशि धनु या मीन होती है, इनका ग्रह स्वामी बृहस्पति होता है, गुरुवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और ये अपनी समझ से काफ़ी कुछ बदलने का साहस रखते हैं। शुक्रवार के दिन पैदा हुए लोग काफ़ी सुंदर और प्रतिभाशाली होते हैं, इनके ग्रह स्वामी शुक्र होते हैं, ये तर्क करने में निपुण और नैतिकता में बढ़ चढ़कर होते हैं, ये धनवान और इनकी बुद्धि भी काफ़ी तेज होती है। शनिवार को जन्म लेने वाले व्यक्तियों की राशि मकर या कुंभ होती है, इन पर शनि ग्रह का प्रभाव होता है, ये अपना जीवन अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं, ये स्वभाव से थोड़ा कठोर होते हैं। इस दिन जन्मे लोगों पर अगर दुख भी आए तो ये उसे सहन करना जानते हैं, ये न्यायी एवं गंभीर स्वभाव के होते हैं, सेवा करना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। रविवार को पैदा होने वाले व्यक्तियों पर सूर्य ग्रह और सिंह राशि का प्रभाव रहता है, इस दिन जिस व्यक्ति का जन्म होता है वे व्यक्ति तेजस्वी और प्रवृत्ति के होते हैं, इनके स्वभाव में क्रोध भरा होता है, ये चतुर गुणवान होते हैं, ये साहसी और निडर होते हैं, ये हमेशा सकारात्मक रहते हैं, इन्हें घूमने का शौक रहता है, इनका ज़्यादा समय घूमने में ही निकलता है।